उत्तराखंड पुलिस की ओर से 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राजधानी देहरादून में पुलिस सिंह इन अमृतसर थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन 7 अक्टूबर को वन अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत हॉल में होगा। इसमें मुख्य रूप से 5G युग में पुलिस व्यवस्था, नार्कोटिक्स, NCRV, आंतरिक सुरक्षा और सोशल मीडिया की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, जो 3 प्रकाशनों का डिजिटल विमोचन करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो देहरादून में उत्तराखंड पुलिस BPRND के सहयोग से 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। इससे पूर्व ये आयोजन भोपाल में हुआ था और उससे पूर्व लखनऊ में हुआ था। तो ये 2 दिन के आयोजन का जो इनॉग्रल सेशन है, उसको माननीय गृह मंत्री महोदय इसको शुभारंभ कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय 8 तारीख को जो है इसकी क्लोजिंग करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 5 थीम लिए गए हैं। एक तो 5G इरा में पुलिस कैसे की जाती है, 5G की चुनौतियाँ। दूसरा है ड्रग्स की चुनौतियाँ। तीसरा है राज्य पुलिस और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के बीच में आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, समन्वय में आपसी समन्वय कैसे बढ़ाया जाए। चौथा है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और उसमें सोशल मीडिया की भूमिका, ठीक है, उसके द्वारा पैदा की जाने वाली नई नई चुनौतियां। और आखिरी है, 5वां थीम है कम्युनिटी पुलिसिंग। इनके ऊपर इसमें मंथन होगा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बुक्स का डिजिटल लॉन्च होगा। एक है ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का जो कंपेंडियम है वो, दूसरा ऑल इंडिया पुलिस साइंस जर्नल जो वार्षिक रूप से BPRND